नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया के तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर में। तो बात करते हैं आज की सबसे पहली खबर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है एक बड़ी घोषणा और साथ ही आज किसानों के खाते में पहुंच गए सीधे उनके अकाउंट में 6,000 रुपए। ये 8वीं किस्त जो उन्हें आज मिल गई। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो बिहार से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गया में कफन बनाने वालों को पल भर की फुर्सत नहीं। 24 घंटे काम कर रहे हैं, रोज 50,000 से ज्यादा कफन बना रहे हैं। फरवरी के मुकाबले काम उनका 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तो कह रही है कि वो कोरोना पे नियंत्रण कर रही है, मौतों के आंकड़े कम दिखा रही है, लेकिन वाकई में सच्चाई कुछ और है। गंगा नदी में लगातार शव जो है निकाले जा रहे हैं, यानी लाशों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन यानी योगी सरकार या नीतीश सरकार, क्योंकि जो गंगा नदी बहती है वो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलकर बहती है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार का कहना है कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से भरकर आई है और उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि ये लाशें जो है बाहरी लोग यहाँ पर आके जला कर गए हैं या फिर प्रवाह करके गए। तो इन तमाम मुद्दों पर ये देखा जाए कि लाशें तो आखिर लाशें हैं, चाहे प्रशासन किसी का भी हो, चाहे बिहार सरकार से आई हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार से आई, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि इन गरीब लोगों के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि ये गरीब वही लोग हैं जो अपने परिजन का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे। आखिर ये कहाँ की सच्चाई है कि आप ये सोचिए कि कोई अपने परिजन को ज़बरदस्ती या फिर अपनी खुशी से गंगा नदी में प्रवाह नहीं करता था। इससे पहले भी कई बार लाशें जली, कई बार लोगों को जो है महामारी है, लेकिन इस प्रकार की महामारी शायद ही भारत ने कभी कभी देखी होगी, क्योंकि जिस प्रकार की गरीबी, लाचारी और कोरोना वायरस की मार गरीब जनता झेल रही, उसका अंदाजा सिर्फ उसी को परिवार को लगा सकते हैं जो अपने परिजनों को इस प्रकार गंगा नदी में प्रवाह करके चले जा रहे हैं। सरकार बार बार प्रसार कह रही है कि वो लकड़ियों का इंतजाम करें, उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम करिए, लेकिन ये सारे वादे खोखले नजर आते हैं। चलते हैं अगले बीच की बड़ी खबर की तरफ। हैदराबाद की हुसैन सागर झील में मिले कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल पर इससे आगे संक्रमण नहीं फैलता। भले ही आक्रमण जो है संक्रमण नहीं फैलता, लेकिन एक अच्छी खबर है कि ये जो जेनेटिक है इससे ज़्यादा नुकसान आम जनता को नहीं होगा। बात करते हैं दिल्ली में 10 अप्रैल के बाद सबसे कम नए केस। केरल में 23 मई तक बड़ा लॉकडाउन। जी हाँ, लगातार देश के अलग अलग प्रदेशों में, चाहे राज्य वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, लगातार कोरोना वायरस की बढ़ती महामारी की वजह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली में राहत की खबर निकल के आ रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के आंकड़े भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इस समय कोरोना की रफ्तार महाराष्ट्र में भी सबसे कम नजर आ रही है। और बात करें बीएमसी मॉडल की तारीफ तो पूरी दुनिया में हो रही है। जी हाँ, बीएमसी ने जिस प्रकार से मुंबई शहर में कोरोना वायरस पर कंट्रोल किया वो वाकई काबिले तारीफ है। चलते हैं अपनी सबसे बड़ी खबर की तरफ। देश में मिलेगी स्पुतनिक वी डिलीवरी। जी हाँ, रशिया की ये जो वैक्सीन है वो आपको अगले हफ्ता मिल जाएगी और इसकी कीमत जो रखी गई है वो है 995 रुपये में प्रति एक डोज। जी हाँ, यानी एक डोज के लिए आपको 995 रुपये चुकाने होंगे, वो सरकार चुकाएगी, आपको ये वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। शार्ली हेब्दो फिर चर्चा में। जी हाँ, फ्रेंच वीकली मैगजीन का भारत में ऑक्सीजन कमी पर तंज। कार्टून में बताया 3.3 करोड़ देवता भी ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहे। जी हाँ, लगातार विदेशी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तीखी टिप्पणियां लगातार करते जा रहे हैं, और आज तो हद इंस्पायर हो गई कि जो मैगजीन है उसमें यह भी बता दिया गया कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा गोरण जो है देवता है भारत में, और उन सब मिलकर भी भारत में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रहे, जो अपने आप में काफ़ी निंदनीय बात है। लेकिन क्या सरकार को इस बात से सबक लेनी होगी कि आखिरकार भारत में लोग ऑक्सीजन जैसी कमी से क्यों मर रहे हैं, क्यों सरकार ने अभी तक स्वास्थ्य विभाग पर जो है खर्चा नहीं किया, क्यों विस्टा प्रोग्राम पे सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है। जी हाँ, सेंट्रल विस्टा वो प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार अपने लिए आलीशान महल बनवा रही है, लेकिन आम जनता के लिए ना अस्पताल है, ना दवाइयाँ हैं, ना मेडिसिन और इंजेक्शन है, ना हॉस्पिटल में बेड्स हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब आखिर कौन देगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी जरूर राय दीजिएगा। धन्यवाद।